माँ दरवाजा खोलो। माँ क्या बात है रागिनी? माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। शोर मचा रखा है, घर में मेहमान है, कल तक रुक नहीं सकती थी। मेहमान? ये कैसे मेहमान है माँ, जो अपने ही मेजबान की इज्जत करना नहीं जानते। कितना भला बुरा कहा उन्होंने बाबूजी के लिए, और अब बाबूजी को बिना ही बताए साधना को ले जा रहे हैं वो यहाँ से। तो क्या करें, वो अपनी मर्जी से जा रही है, खुश रहेगी वो उनके साथ, उसका घर परिवार है वो, जाने दे उसे। माँ वो लोगों के साथ खुश रह सकती है? उनका बर्ताव देखा है ना आपने, दुखी हो जाएगी वो वहां जाकर। तुझे इन सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में बहुत प्यार है, साथ में पली बड़ी हो, लेकिन इस वक्त साधना का यहाँ से जाने में ही इस घर की और तेरी भलाई है। माँ आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? साधना जैसी बहन तो किस्मत से मिलती है, कितना प्यार करती है वो मुझसे, हर बार उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। माँ भरम है तेरा, अभी तू बच्ची है, समाज का ऊंच नीच नहीं जानती तू, मेरी बात मान ले, जाने दे उसे। देख, ये मैंने साधना के लिए क्या रखा है, इस घर से विदा होगी तो मैं इसे खालियां थोड़ी भेजूंगी, देख अच्छी है ना। बिल्कुल सही फैसला लिया है तूने साधना बेटा, किशन भैया भी यही चाहते थे कि तू उदयपुर आए। चल बेटा अब तू सो जा। हाँ ठीक है, सो जा, चल सो जा। साधना बेटा तूने सारा सामान तो अपना बांध लिया ना अच्छी तरह से? जी। मेरा मतलब सारे कागजात रख लिए, तेरे सर्टिफिकेट, किशन भाई साहब के बीमा के कागजात और चेक वगैरह सब रख लिया ना? क्या है ना कि अगर कुछ भी यहाँ भूल गई तो बाद में बहुत मुश्किल होगी ना बेटा। कागज का ये एक टुकड़ा नोटों की सैकड़ों गड्डियां दिलवाएगा मुझे। साधना बेटा मैंने देख लिया, सब कागजात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इन्हें रख दे। नहीं नहीं मैं ही रख देती हूँ, तू रुक। साधना बेटा अब तू सो जा,
हमें सुबह बहुत जल्दी निकलना है ना। हाँ सो जाओ। ठीक है मैं चलती हूँ। बाबा जी देखिए मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। ये पेन है मामा जी आपके लिए। अब आप जो भी किताब लिखेंगे ना इसी से लिखिएगा। पैसा मुझे आगरा तक छोड़ देंगे? नहीं मैम। पैसा बहुत जरूर बहुत। पैसा मुझे आगरा तक छोड़ देंगे अगर आपको? नहीं भाई जगह ही नहीं, बिल्कुल जगह नहीं। भाई साहब बहुत मजबूरी है, वहाँ बहुत जरूरी काम है मेरा, मैं कहीं एडजस्ट कर जाऊंगा। देखिए आपको जितना पैसा चाहिए वो ले लीजिए। भाई साहब 500 रुपए लगेंगे। मैं दूंगा भाई साहब। धन्यवाद। साधना एक बार और सोच ले, अपने बाबूजी के आने तक तो रुक जा। भैया मैं जा रही हूँ। खुश रहो, अपना ख्याल रखना। हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया। फिसल गया ना 10 लाख हाथ से, जरा रोक नहीं सकते थे ये भी। जीते रहे, आज तो घर से विदा हो रही है। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए।
जीती रहे बेटा, सदा सुखी रहे। नानी जी, आपने मुझे अच्छे और बुरे में फर्क समझाया। उम्मीद है मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ वो सही। जी जी बेटा, रागनी शायद तुझे विदा करने ना आ पाए। बरसों का साथ रहा है, बुरा तो लगेगा ही ना। तुम चलो बेटा, वो नहीं आ पाएगी। चलो, देर हो रही है, चलो चलो बेटा, चलो साधना। नानी माँ, आप तो रोकिए इसे, मैं आपके आगे हाथ छोड़ रही हूँ, रोक लीजिए इसे। जी माँ जी, रागनी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें हमें साधना को रोकना ही चाहिए। चलो ना, बहुत देर हो गई, चलो करना, चलो चलो बच्चा, आ जा, आ जा, नहीं आ जा, मुझे छोड़कर मत जा। नहीं जी जी, बात करिए कि आप रोएंगी नहीं। मामी जी की बात जरूर मानिएगा, उनका दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि माँ भगवान का रूप होती है ना। अरे चलो साथ बेटा, बहुत देर हो रही है, चलो 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 चलो, बहुत देर हो रही है, ये मुझे दे दो। बेटा आज से यही तेरा घर है। हाँ? चल। स्टेशन पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में पहुंचना चाहिए। साधना दीदी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? आप हमें छोड़ के मत जाइए। भूल तो शायद मुझसे हो गई थी गुजरी। देख गुजरी, मैं तो अब यहाँ नहीं रहूंगी, तू मामा जी का ध्यान रखना। चलो 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 बेटा, वैसे ही बहुत देर हो गई। आओ भाभी जी, भाई साहब को हमारा प्रणाम कहिएगा।
चलो बेटा चलो 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 जा रही है, उसे खुशी खुशी जाने दे मेरी बच्ची। संभाल पहुंचते ही एक अहम फैसला लेना होगा। दरअसल फैसला तो मैं ले चुका हूं, बस उन लोगों को साफ साफ बताना होगा कि साधना उनके साथ नहीं जाएगी। जब जीजा जी जिंदा थे तब भी साधना मेरी बेटी थी, अब वो नहीं रहे तो साधना के लिए मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अब वो मेरे घर से तभी जाएगी जब उसकी शादी होगी। जीजा जी, मैं वादा करता हूँ साधना की विदाई का जो सपना आपने देखा उसे मैं पूरा करूंगा। अब आपके हिस्से का प्यार भी मेरे दुलार में शामिल हो गया है। हमारे बिटिया को जीवन की हर खुशी दूंगा मैं। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।